गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारतवासियों को एलिट संस्थान पटना की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इस भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में 2024 तक और इस देश को हम मजबूत देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अपने आप को मजबूती के साथ, अपने आप को पूरी तारतम्यता के साथ देश के साथ जोड़ें, भावनाओं से देश को सिंचित करें। और एक दिन होगा जब हमारा यह देश बहुत बड़े पटल पे होगा और हमें इस बात का और गर्व होगा कि हाँ, हम भारतवासी हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारतवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी इस देश को मजबूत करें, इस देश को आगे ले जाने में हमारी पूरी भूमिका रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ अमरदीप झा गौतम, एलिट इंस्टीट्यूट पटना, आप सभी लोगों को बधाई देता है। राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी कभी भी राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। प्रियंका गांधी ने तो राजनीति में एंट्री कर ली, एक्टिव राजनीति में अब वो इन्वॉल्व होंगी। पार्टी के महासचिव बनाए जाने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी अब राजनीति में पहले से कहीं ज़्यादा रुचि लेंगी। इतना ही नहीं, अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रियंका गांधी लगातार यूपी में कार्य करेंगी। गांधी परिवार का इतिहास आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि कैसे राहुल गांधी इस परिवार के आखिरी वारिस हैं। मगर आपको एक बात और बता दूं, इस परिवार में एक और वारिस है, उसका नाम है वरुण गांधी, जो भाजपा कोटे से सुल्तानपुर के सांसद हैं। वरुण के बारे में एक बात किसी को नहीं पता होगी कि वरुण लगातार प्रियंका गांधी के संपर्क में है। प्रियंका गांधी के साथ कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर भी एक साथ बैठना उठना शुरू कर दिया था। आपको यह भी पता चले कि वरुण गांधी बीजेपी में कुछ दिनों पहले तक बहुत एक्टिव रहा करते थे, मगर सडनली 2014 के बाद से 15 तक वो एक्टिव रहे और 15 के बाद से लगातार वो राजनीति से एक तरह से पीछे हो गए हैं, बैकफुट पर चले गए हैं। ये क्यों हो रहा है? मोदी सरकार यानी मोदी के सत्ता में आने के बाद से बीजेपी को जिस तरह से उन्होंने अपने अराउंड सेंट्रलाइज कर दिया है पावर को, इससे कहा जाता है कि वरुण नाखुश हैं। वरुण युवाओं को आगे करने की बात बार बार करते थे, वरुण ने कई बार सार्वजनिक मंच से राम मंदिर निर्माण की बातें भी की हैं। वरुण एक हिंदुत्ववादी नेता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वरुण ने कई बार सार्वजनिक मंच से कांग्रेस के खिलाफ बोला है। वरुण की माता जी भी भाजपा में अच्छा पद रखती हैं, वरुण की माता जी मेनका गांधी हैं। मगर आपको बताते चले कि इन दोनों परिवारों के बीच लड़ाई राजनीतिक है, वैचारिक है, ना कि पारिवारिक। आपको बताते चले कि 2011 में जब वरुण गांधी की शादी हुई थी तो प्रियंका गांधी और बाकी सब भी साथ पहुंचे थे। इस दौरान भी जब प्रियंका गांधी से पूछा गया था कि क्या आप दोनों परिवारों के बीच लड़ाई का माहौल रहता है, तो उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई वैचारिक है, हम विचारों में भिन्न हैं, इसलिए अलग अलग पार्टियों की तरफ से काम कर रहे हैं, मगर परिवार के तौर पर हम एक हैं। मगर आपको पता है कि कैसे कांग्रेस पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भाजपा ने हमेशा परिवारवाद करने का, वंशवाद करने का आरोप लगाया है। मगर वरुण गांधी खुद भाजपा के साथ थे, कुछ दिनों पहले तक लगातार वरुण गांधी बहुत एग्रेसिव थे, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, मगर फिलहाल कुछ दिनों से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि वरुण गांधी पार्टी के कई कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से भागीदारी नहीं ले रहे हैं। कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ वर्क से कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी में एक मेव हो गया है, मतलब एक आदमी का अधिकार पूरी तरह से पार्टी के ऊपर हो गया है। आपको बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने पार्टी के प्रति ऐसी बातें बोली हैं, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर कीर्ति आजाद या फिर आडवाणी, सभी को कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है। पहले मुरली मनोहर जोशी जी को किया गया, उसके बाद राजनाथ सिंह को किया गया, ऐसे ही करते करते कई लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया गया या मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहने दिया गया। मगर वरुण गांधी की उम्र उतनी नहीं हो रही है, वरुण गांधी अभी युवा है और उनके पास पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है।
पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस जिस तरह से सत्ता में वापस आई है, एक बार फिर से माहौल ऐसे बन रहे हैं कि लगता है कि देश में कांग्रेस फिर से एक बार सत्ता में आ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बिहार में जहां कांग्रेस कई बाहुबलियों को अपनी पार्टी में जोड़ रही है, वहीं केंद्र में प्रियंका गांधी को राजनीति में लाना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कांग्रेस का। इतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस को अगर आप देखते हैं तो जिस तरह की तैयारियां बिहार कांग्रेस कर रही है, एक बात तो स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस किसी बड़ी तैयारी में है। कांग्रेस महागठबंधन पे फोकस कम कर रही है और अपने ऊपर फोकस ज्यादा रख रही है। एक बात तो स्पष्ट हो रहा है यहां से कि कांग्रेस अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस येन क्रेन पकनेन किसी तरह से अपने आप को भाजपा के समानांतर खड़ी करना चाहती है। भाजपा ने पहले ही अपने आप को डिजिटली बहुत मजबूत कर लिया है। इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का भी दावा भाजपा करती है। कहा जाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता जितने हैं उतने विश्व के किसी भी पार्टी में नहीं जुड़े हुए या किसी संगठन में नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ को गिराने के लिए प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस को वरुण गांधी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। गांधी परिवार के हैं, गांधी की विचारधारा से प्रेरित हैं, हालांकि थोड़े विचार अलग जरूर हो गए थे, भाजपा के साथ जुड़ गए थे, माँ भी भाजपा में है, माँ के पास बहुत बड़ा रोल भी है भाजपा में, मगर वरुण गांधी के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से वो भाजपा में टिक सके। सांसद अगर बने हैं तो सांसद वरुण गांधी बन सकते हैं, वो कांग्रेस की तरफ से ही बन सकते हैं, मगर पार्टी के 2014 में सत्ता आने के बाद वरुण गांधी को उम्मीद थी कि उन्हें एक बड़ा रोल मिलेगा केंद्र में, मगर मोदी सरकार ने उनकी सारी ख्वाबों पर एक तरह से पानी फेर दिया। यहां तक कि बिहार के कई छोटे बड़े दलों को भी केंद्र में सत्ता में सहयोगी बनाया गया, मगर वरुण गांधी को इस तरह से हाशिए पर खड़ा कर दिया गया जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते नरेंद्र मोदी के लिए। इसी बात का बदला लेने के लिए हो सकता है, ऐसा हम कह रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ही वरुण गांधी एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम ये बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही उड़ीसा के कार्यक्रम के दौरान ये बात स्पष्ट की थी कि वरुण अगर आना चाहते हैं तो हमने किसी के रास्ते बंद नहीं किए हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि प्रियंका गांधी के बाद आपके परिवार के कौन कौन सदस्य आ सकते हैं राजनीति में, तो उन्होंने कहा था हमने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं, अगर दरवाजे खुले हैं तो सभी के लिए खुले होंगे। ऐसा आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की नजदीकियां लगातार रही हैं। प्रियंका गांधी और वरुण गांधी भाई बहन की तरह लगातार सार्वजनिक मंचों पर भी देखे जाते हैं, ये आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी शरीक होते हैं, पारिवारिक कार्यक्रमों में भी जाते आते हैं। ऐसे में एक बात स्पष्ट है, भले ही गांधी परिवार किसी कारण से टूट गया हो, मगर आने वाले समय में गांधी परिवार एक मंच पर हो सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस यानी कांग्रेस सोनिया गांधी के अंडर में, राहुल गांधी के अंडर में अपने आप को मजबूत कर रही है, वहीं मेनका गांधी और वरुण गांधी को भाजपा में वो तरजीह नहीं मिल रही है जो वो उम्मीद करके रखे हुए हैं। ऐसे में फिर से एक बार राजनीति बड़ी करवट ले सकती है। राजनीति का ये ऊंट अगर इस बार ये करवट लेता है तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, नीतीश कुमार के लिए, रामविलास पासवान के लिए और भाजपा के सारे सहयोगियों के लिए आने वाला वक्त बहुत कठिन होने वाला है। वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री का मतलब होगा बीजेपी का एक बड़ा पेड़ गिरना। इस पेड़ के गिरने के बाद धरती तो हिलेगी ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।